ओट्स की है खिचड़ी, पौष्टिक तत्वों से भरपूर, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए फायदेमंद। और जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको आसानी से बहुत ही सस्ता प्रोटीन है ये। तो बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म होते ही एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ, बारीक कटी हुई लहसुन, करी पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज, ये हरी मिर्च। हरी मिर्च आप चाहें तो बारीक काट के डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ इसलिए इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि तीखापन उनके लिए ना हो और मैं आसानी से हरी मिर्च खा सकूँगा। यहाँ पर एक कटोरी ये फ्रोज़न कॉर्न है। फ्रोज़न कॉर्न को जब भी इस्तेमाल करें गर्म पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें ताकि उसके जो फ्रोज़न वाली स्मेल है वो निकल जाए। और कॉर्न को प्याज के साथ अच्छी तरीके से पका लेते हैं ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे, ये बहुत बढ़िया तरीके से पक जाएं और फ़ायदे के साथ साथ स्वाद भी हमको दें। और जब कॉर्न हो जाए तो ये थोड़ी सी हरी मटर, मटर के साथ ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर, और भी कोई सब्जी आप ऐड करना चाहें आपके पास हो तो मिला सकते हैं। जितनी ज़्यादा सब्जियां मिलाएं उतना ज़्यादा फायदेमंद है बच्चों के लिए, हमारे लिए, जो भी खा रहे हो। और मेरा बच्चा मैगी खाने की जिद करता है तो मैगी से अच्छा ऑप्शन मैं उसको यही बताता हूँ कि बेटा मैं मैगी वाले ओट्स बनाता हूँ तुम्हारे लिए और ओट्स बना के खिला देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम प्लेन ओट्स हैं ये। और ओट्स के जाते ही पानी, पानी काफ़ी अधिक मात्रा में ही लगता है, ओट्स बहुत अधिक पानी सोखता है तो पानी पर्याप्त मात्रा में डालिए। और देखिए 100 ग्राम ओट्स के अंदर आपको कितने सारे पोषक तत्व मिलते हैं, आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ कि आपको इसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है। बताइए इतने सारे न्यूट्रिशन ओट्स कहाँ मिलेंगे आपको। और इसके बाद आधा चम्मच गर्म मसाला और एक नींबू का रस, नींबू का रस भर के इस्तेमाल करिए, पाचन के लिए भी अच्छा रहेगा, स्वाद के लिए भी अच्छा रहेगा। और एक चम्मच नमक या स्वाद अनुसार आपके हिसाब से कम या ज़्यादा, सारी चीज़ों को मिला दीजिए और बढ़िया तरीके से इन्हें 4 से 5 मिनट पका लेते हैं। पर पानी पर्याप्त मात्रा में ही डालिएगा, इससे बच्चों के अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी, सारी सब्जियाँ भी खा लेंगे और ये हो जाएगा एक टेस्टी और हेल्दी फूड। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को इस तरीके से हेल्दी फूड खिलाइए। अब आप जिम जाकर एक्सरसाइज करते हो या ना करते हो पर प्रोटीन फूड और सारे न्यूट्रिशंस वाले फूड आपको खाने चाहिए। जिम जाने वालों को थोड़े ज़्यादा खाने होते हैं तो ये सबके लिए बेहतर ऑप्शन है। एंजॉय करिए। बनने के बाद इसमें श्रद्धा अनुसार हरा धनिया मिला दीजिए और ये देखिए बढ़िया वाला ये ओट्स की खिचड़ी बनकर है तैयार। अब इसे सजाइए। आपके पास सजाने का और बेहतर ऑप्शन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं सजा रहा हूँ, ये मेरी वाली प्लेट है, बच्चों की प्लेट अलग से। अब वो सलाद अलग से नहीं खाने वाले हैं तो उनके लिए बिना सलाद के साथ, और मैं भर के सलाद खाने वाला हूँ, चलिए खीरा और टमाटर इनके साथ साथ। और जिस तरीके से सजाइए पर खाइए ज़रूर, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। और आपको फुल हेल्दी बनाना है तो जैसा मैंने बताया था कि बिना तेल के आप सारी सब्जियाँ एक साथ मिला दीजिए, थोड़ा सा गर्म मसाला, नींबू बेहतर स्वाद के लिए, और आपकी ओट्स की खिचड़ी बनकर हो जाएगी तैयार। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारे वीडियो इस तरह के देखिए।